तो हाय एवरीवन, स्वागत कर रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है थंबनेल, तो आप थंबनेल को कैसे चेंज करना है। चेंज करने के बाद आप आपका बना हुआ थंबनेल एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाकर आप कैसे सेव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच करते रहिए, ठीक है, पूरा फुल वॉच करते रहिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो थंबनेल लगाने के फ़ायदा क्या है, तो अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, थंबनेल लगाने का फ़ायदा है कि आपके 99% आपका जो भी रैंक में आएंगी तो आपका वीडियो थंबनेल पर ही मैटर करता है। तो ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वीडियो अपलोड करने के बाद आपको ये सारा थंबनेल आपको मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, आप सभी को जो वीडियो थंबनेल चेंज नहीं किया है तो आप सबको ये बेकार थंबनेल आपको मिलेंगे। तो आप ये चेंज करके आप कैसे आपका बना हुआ थंबनेल को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको फ़ायदा भी बताया है, क्योंकि फ़ायदा है थंबनेल आपको रैंक में आने के लिए, रैंक में आएंगे तो आपका वीडियो सजेस्टेड में आ सकता है। तो आपको आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो आपको लोग कोई भी नहीं वॉच नहीं करेंगे, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको आ गया हूं अपना फ़ोन स्क्रीन पर आने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है, एक एप्लीकेशन का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वो एप्लीकेशन का नाम है यूट्यूब स्टूडियो। आपको ये स्टूडियो आपको प्ले स्टोर पर मिलेंगे, आपको मैं पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको पैसे नहीं लगते, ठीक है, आपको फ्री में ही मूव मिलेंगे, ठीक है। आने के बाद आपको जाना है वाइट स्टूडियो पर ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये वाइट स्टूडियो पर जब जाएंगे तो मैं आप भी वाइट स्टूडियो पर जाया हूँ। जाने के बाद आपको एक बेकार सा थंबनेल मिलेंगे। ये थंबनेल आपको 99% आपको थंबनेल पर ही मैटर करता है। आपको थंबनेल कैसे चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आपको कस्टम थंबनेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक प्रोफेशनल आपको कैसे यहाँ पर ऐड करना है, ये कोई भी आप ऐड कर सकते हो, आपका बना हुआ थंबनेल को आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। तो मैं ये ऐड कर देता हूँ, आपको सिलेक्ट पर कर देना है। सिलेक्ट पर कर देने के बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो आप जो सिलेक्ट पर करने के बाद आपको पब्लिक ही कर देना है। जब आप थंबनेल आपका डिस्क्रिप्शन आपका टेक्स्ट सारा कंप्लीट होने के बाद आपको ही पब्लिक करना है, तो आपको पहले से आपको पब्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो आपका SEO के साथ आपको मैटर हो जाएगा, ठीक है, आपको SEO के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो में आपको बता दे दिया है। तो आप थंबनेल आप खुद बना कर आप कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इस वीडियो को मैंने आपको पूरी डिटेल में बात कर दिया है। तो इस वीडियो पर इतने ही, दूसरा वीडियो पर मिलते हैं फ्रेंड लोग, बाय बाय।